सपने वो नहीं जो सोने के बाद आते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो सोने नहीं देते हैं। दोस्तों, कलाम साहब की यह लाइन आज भी लाखों कानों में गूंजती है। कैसे एक अखबार बेचने वाला छोटा सा बच्चा कैसे बना दुनिया का सबसे महान व्यक्ति। दोस्तों, मैं हूं इलियास और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक अखबार बेचने वाला छोटा सा बच्चा कैसे दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बन गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। कलाम साहब एक तमिल मुस्लिम थे। इनके पिता जैनुल आबदीन एक मस्जिद में इमामत का काम करते थे। इसके अलावा उनके पास एक छोटी सी कश्ती यानी कि नाव थी। इनके माता का नाम आसमी अम्मा था, जो घर का काम करती थी। कलाम साहब के पिता के पास जो नाव थी, उसका प्रयोग वह मछली पकड़ने में नहीं, बल्कि हिंदू लोगों को रामेश्वर मंदिर से धनुषकोटि और धनुषकोटि से रामेश्वर मंदिर तक पहुंचाने में करते थे, और उससे जो कमाई होती थी उससे अपना भरण पोषण करते थे। कलाम साहब के तीन बड़े भाई और एक छोटी बहन थी। वह अपने भाइयों में से हमेशा घुल मिलकर रहते थे। कलाम साहब के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे। इसके अलावा भी वो अपने बेटे और बेटियों को अच्छी तरह से पढ़ाना लिखाना चाहते थे। यही कारण था कि 5 वर्ष की उम्र में कलाम साहब का एडमिशन गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हो गया। कलाम साहब से बचपन से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है। एक बार की बात है, कक्षा में जब अध्यापक पक्षियों के उड़ने की जानकारी दे रहे थे, तभी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, तो अध्यापक ने सभी बच्चों को लेकर समुद्र किनारे ले गए, उड़ते पक्षियों को दिखाने लगे। तभी कलाम साहब ने कहा और तय किया, भविष्य को विमान विज्ञान में ही ले जाना है। कलाम साहब अपने प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ अखबार भी बेचा करते थे, जिससे कि परिवार की कुछ मदद हो सके। कलाम साहब ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक किया। कलाम साहब अपने कठिन परिस्थितियों के बाद 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो से जुड़े। कलाम साहब को परियोजना महानिदेशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV द्वितीय का उसका पूरा श्रेय मिला। 1972 से 1999 तक कलाम साहब रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार भी रहे। अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल का श्रेय अब्दुल कलाम साहब को ही जाता है। कलाम साहब के जीवनी पर आई I am Kalam नामक फिल्म आज भी हजारों लाखों बच्चों के दिलों में राज करती है। कई ऐसे समय भी आए जब इनको प्रधानमंत्री बनने का भी प्रस्ताव मिला, लेकिन इन्होंने इसे भी मना कर दिया। अंततः 18 जुलाई 2002 को सभी राजनीतिक दलों के 90% बहुमत के बाद कलाम साहब को भारत का 11वां राष्ट्रपति बना दिया गया। कलाम साहब के जीवन में कई ऐसे बहुमूल्य समय आए जिन्होंने उनको झकझोर दिया, लेकिन तभी कलाम साहब ने हार नहीं मानी और देश को एक नए रुख की तरफ बदल दिया। आज भी पूरे देश में भारत का नाम लिया जाता है। इसका बहुत ही ज़्यादा श्रेय अब्दुल कलाम साहब को जाता है। अंततः 27 जुलाई 2005 की शाम कलाम साहब भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में रहने योग ग्रह पर एक व्याख्या कर रहे थे। तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश होकर गिर गए। लगभग 6:30 पर शाम को गंभीर हालत में उन्हें बेथानी अस्पताल में ICU वार्ड में ले जाया गया और वहीं 2 घंटे बाद उनका निधन हो गया।
मृत्यु के बाद कलाम साहब को भारतीय वायुसेना विमान से पालम एयरपोर्ट पर दिल्ली उतारा गया, जहां पीएम नरेंद्र मोदी, प्रेजेंट राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दिल्ली के प्रेजेंट सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद तिरंगे में पार्थिव शरीर को लपेटकर पूरे सम्मान के साथ रामेश्वर के पी ग्राउंड में दफना दिया गया। इनके अंतिम संस्कार में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और कर्नाटक, तमिल, केरल के मुख्यमंत्री और साथ ही 3,50,000 के कुल आबादी वाले लोग वहां पर अंतिम संस्कार में भाग लिए थे। दोस्तों, कलाम साहब के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों जो उन्हें सम्मान मिला, इसमें है डॉक्टर ऑफ साइंस जो कि एडिनबर्ग विश्वविद्यालय लंदन में मिला था, पद्म विभूषण 1981, पद्म भूषण 1990 और भारत रत्न 1997 में मिला। दोस्तों, कलाम साहब के बारे में यह हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। धन्यवाद।